नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानेंगे कि ये आखिर होता कैसे है और क्यों होता है। जब हम एक मौसम ख़त्म हो रहा हो, दूसरा मौसम आ रहा हो, जैसे गर्मियां ख़त्म हो रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, या सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड में मोस्टली ये टाइफाइड फीवर होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि टाइफाइड फीवर के आखिर सिम्टम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर पे आपको काफ़ी शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी, वीकनेस लगेगी। दूसरा, आपको भूख नहीं लगेगी। तीसरा, आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा, शरीर टूटा टूटा सा रहेगा। और चौथा, आपके मुंह का स्वाद ठीक नहीं रहेगा, आप जो भी खाएंगे आपको कड़वा या फिर फीका फीका लगेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। वैसे होम्योपैथिक में टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उन तीन मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं टाइफाइड फीवर में। दोस्तों, एक नंबर पर आती है यूटेरियम पर, दूसरे पर ब्रोनिया और तीसरे पर जलेसिया। अब इनमें से हमें दो मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बुखार ठंड लग के आता है, कपकपी के साथ आता है, तो आपको यूटेरियम पर 30 ml 30 पोटेंशियल और इसके साथ में ब्रोनिया 30 ml 30 पोटेंशियल लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप जिस केमिस्ट से भी ये दोनों दवाइयां आप लोगे, इन दोनों दवाइयों का ब्रांड सेम होना चाहिए। अगर आप SBL ब्रांड लेते हो तो दोनों दवाइयों का ब्रांड SBL हो। अगर आप लोड्स लेते हो तो दोनों दवाइयों का ब्रांड लोड्स हो। अगर आप वीजल लेते हो तो दोनों दवाइयों का ब्रांड वीजल हो। अब इन दवाइयों को लेने के बाद इनकी डोज जो है वो कैसे लेनी है। अगर हमने यूटेरियम पर 30 ml 30 पोटेंशियल और ब्रोनिया 30 ml 30 पोटेंशियल ली है, तो हम इन दोनों को अच्छे से एक जगह मिला लेंगे, इनका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे और दिन में 3 बार आधे से आधा कप पानी और इसकी 10 से 15 बूंदें लेनी है। आप चाहो तो खाना खाने से पहले ले सकते हो और अगर आप चाहो तो खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। अगर खाने से पहले लेनी है तो आधा घंटा पहले, अगर खाना खाने के बाद लेनी है तो कम से कम आधे घंटे के बाद लें। इन दोनों मेडिसिन को इसी तरह से दो से तीन महीने तक आप लें और ये टाइफाइड फीवर आपके शरीर से हमेशा के लिए चला जाएगा। आपको एनर्जी फील होगी, भूख खुल के लगने लगेगी, आपको मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये भी बताइएगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।